हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नार्कोलेप्सी के बारे में। दोस्तों, नार्कोलेप्सी एक तरह का स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति को यकायक या अकारण झपकी आ जाती है और व्यक्ति को कुछ मिनटों के लिए नींद आ जाती है और उस व्यक्ति को इस समय पर जैसे नींद आती है वैसे ही नींद आती है, लेकिन उस व्यक्ति को अचानक काम करते करते भी नींद आ सकती है या फिर किसी और तरह की चीज़ें करते हुए किसी और एक्टिविटी से भी नींद आ सकती है। दोस्तों, यह जो बीमारी होती है नार्कोलेप्सी की शिकायत जो होती है वह 12 से 50 साल तक के उम्र के किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। तो यदि किसी व्यक्ति को इस तरह की बीमारी हो जाती है तो उसके लिए कोई व्यक्ति किस तरह की सावधानियां बरत सकता है, मैं आज आपको यह बताने वाली हूँ। यदि किसी को यह समस्या है तो उसे तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ और ऐसी बातें होती है जिन्हें कि आप ध्यान में रह सकते हैं, जैसे कि संभव हो कि आप अकेले यात्रा ना करें, क्योंकि इसमें व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में होता है और अचानक से नींद आ जाती है तो इससे आपको की काफ़ी सारी परेशानी होने की संभावनाएँ हो जाती हैं। इसके साथ ही दिन के वक्त आप बीच बीच में नींद लेते रहें, साथ ही सही वक्त पर सोएं और भरपूर नींद लें, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा यदि आप इस समस्या से ग्रसित हैं। तो हमेशा अपने साथ पहचान पत्र रखें ताकि यदि आपके साथ किसी भी तरह की स्थिति होती है तो इससे आपको मदद मिल सके। आपके मेडिकल कार्ड में आप इस समस्या का उल्लेख करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे अजनबी भी आपकी मदद कर सके। तो ये सारी बातें हैं जो कि बहुत ही छोटी छोटी और सामान्य हैं, लेकिन यदि आप नार्कोलेप्सी जैसी समस्या से ग्रसित हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।